इस घटना की मैं सिर्फ निंदा नहीं करता हूँ बल्कि सरकार को चुनौती देता हूँ। ऐ सरकार, तुम्हारे दिल में नाथुराम बसता है, हमारे दिल में गांधी बसते हैं। तुम कितना गोलियां चलाओगे, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी, हमारे सीने नहीं खत्म होंगे। इस बात को मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आपने जिस तरीके का माहौल इस देश के भीतर पैदा किया है, जिस तरीके से आपने अशफाकुल्ला खान और रामप्रसाद बिस्मिल की दोस्ती को तोड़ने की कोशिश की है, जिस तरीके से आपने इस देश में गंगा जमुनी तहजीब के ऊपर हमला किया है, याद रखिएगा हम भारत के लोग हैं और भारत के लोगों को ईद मनाने में भी समस्या नहीं है और दिवाली मनाने में भी समस्या नहीं है। बात को याद रखिएगा, ये ऐसा देश है जो हिंदुओं का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, उस महाभारत की पटकथा एक मुसलमान राही मासूम रजा के द्वारा लिखी गई थी। इस बात को याद रखिएगा, याद रखिएगा कि ये ऐसी धरती है जहाँ गाना एक मुसलमान लिखता है, गाता एक मुसलमान है, उसका संगीत एक मुसलमान देता है, वो बसता हिंदुओं के मंदिरों में। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को आप याद रखिएगा कि ऐसी धरती है जिस धरती ने अंग्रेजों को भारत माँ के चार सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा देकर भगाया था। आज हमने गोपालगंज में एक बड़ी अजीब चीज देखी, हमने देखा कि इस देश में जो संविधान बचाने के लिए निकले हैं उनके हाथों में तिरंगा झंडा है और जो लोग संविधान पे हमला कर रहे हैं उनके हाथों में भाजपा का झंडा है। जो लोग भाजपा का झंडा उठा करके कह रहे हैं कि इस कानून का विरोध करने वाले देश विरोधी हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ, दोस्त तुम्हारे अंदर मोदी जी के लिए प्यार है, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर मोदी जी को दिल दे दिए हो, इससे भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो जरा सोच करके देखना कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर दिमाग है तो तुम इस बात पर विचार करके देखो कि लोकतंत्र का क्या मतलब होता है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि लोकतंत्र के भीतर जो जनता है वो सरकार को चुनती है और चुनी हुई सरकार अगर कोई जनविरोधी नीति लेकर के आती है, अगर कोई जनविरोधी कानून बनाती है, तो उसका विरोध करना देशभक्ति है, उसका समर्थन करना देशभक्ति नहीं है। तुमने वोट दिया है सरकार को, तुम सरकार को वोट देते हो, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको जो वोट देने का अधिकार है, तुमको जो सरकार चुनने का अधिकार है, ये सरकार चुनने का अधिकार तुमको इस देश का संविधान देता है, इस देश का कानून देता है। इस बात को याद रखना। और इस देश का संविधान क्या कहता है? इस देश का संविधान कहता है, इस देश के संविधान की प्रस्तावना का पहला लाइन कहता है, हम भारत के लोग। और जब हम कहते हैं हम भारत के लोग, तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम गोपालगंज के, हम बेगूसराय के, हम बिहार के, हम बंगाल के, हम कहते हैं हम भारत के लोग। जब हम कहते हैं हम भारत के लोग, तो ये नहीं कहते हैं हम मुसलमान, हम हिंदू, हम सिख, हम ईसाई, हम कहते हैं हम भारत के लोग। और ये जो हम भारत के लोग हैं, उसकी संकल्पना ये है कि भारत के भीतर रहने वाला कोई भी इंसान, चाहे वो मंदिर जाता हो या मस्जिद जाता हो, कोई भी इंसान चाहे वो गुरुद्वारा जाता हो या बौद्ध मठों में जाता हो, कोई भी इंसान चाहे वो मोटा हो या पतला हो, अमीर हो या गरीब हो, जवान हो या बूढ़ा हो, महिला हो या पुरुष हो, काला हो या गोरा हो, सबको बराबर का अधिकार देता है। और ये हमारा संविधान का ताकत है। आज आज जिस बात की लड़ाई है, वो लड़ाई इस बात की है कि धीरे 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 जो हमारी संविधान की सबसे खूबसूरत चीज है, उस खूबसूरती को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको बदसूरत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सोच करके देखिए, आप इस पर विचार करके देखिए। ये कहते हैं कि CAA नागरिकता देने के लिए है। आप यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप बताइए कि हम में से कोई भी इसी को नागरिकता देने के खिलाफ है क्या? कोई नागरिकता देने के खिलाफ है क्या? अगर भारत में कोई शरण मांगता है, उस शरण के खिलाफ है क्या?
अगर हमारे कानून और संविधान में भरोसा देता दिखाता है तो उसको नागरिक बनाने के खिलाफ है क्या? ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं कि सीएए का विरोध करने वाले नागरिकता देने के खिलाफ है। सीएए का विरोध करने वाले नागरिकता देने के खिलाफ नहीं है, बल्कि नागरिकता छीनने के खिलाफ है। इस बात को आप अब ये कहते हैं कि सीएए से नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, तो मैं एक सच आप लोगों को बता देता हूँ, और मैं एक साधारण आदमी हूँ, मैं मोटा भाई की तरह झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे झूठ बोल करके इस देश का गृह मंत्री बन करके और अपना बेटा जो मेरा ही फोटोकॉपी होगा उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी मुझे नहीं बनाना। मैं ये सच खुले में बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ और इनको ललकारता हूँ। है तुम में हिम्मत तो हमारे सच को झूठ साबित करो, और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ मुकदमा करो, मुझे जेल में डालो। सच ये है कि इनको सीएए लाने की जरूरत नहीं थी। अरे जब आपका पेट खराब नहीं होता है तो आप बिना मतलब का हाथ मोला गोली खाते हैं। इनको सीएए लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इनको सीएए लाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जब आसाम में एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी की गई तो उस फाइनल लिस्ट में 19 लाख लोगों का नाम बाहर कर दिया गया। इनके कैलकुलेशन के हिसाब से 19 लाख में से 15 कैलकुलेशन उल्टा हो गया कि उस 19 लाख में से 15 लाख गैर मुसलमानों का नाम एनआरसी लिस्ट से काट करके बाहर कर दिया गया। और जब गैर मुसलमानों का नाम एनआरसी लिस्ट से काट करके बाहर कर दिया गया तब आसाम के मुख्यमंत्री ने इनको आप क्या कहेंगे? अगर हिंदुओं का नाम काट करके बाहर कर दिया जाए और सी इन्होंने कहा छोड़ करके बाकी नागरिकता दे देंगे। असल खेल ये है, आसाम में एनआरसी की लिस्ट जारी हुई तो 19 लाख में से अंदाजा लगाइए कि कितने करोड़ गैर मुसलमान। मेरा सवाल, लेकिन आप ये बताइए भारतीय नागरिकता तो आपको 15 लाख रुपया नहीं आया है, लोगों को 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली है, तो मैं सरकार जो सरकार नौकरी नहीं हो कि आत्महत्या नहीं बंद की, जवानों की शहादत को नहीं रोक पाए, वो सरकार हम लोगों को 6 साल में नागरिकता दे देगी? हमको बेवकूफ बना रहे हैं। असल मसला ये है कि पूरे देश में एनआरसी और एनपीआर करके इसे उनका नाम है, ये लड़ाई दंगे से प्यार करते हैं, ये उनकी लड़ाई है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, रहने वाले लोग हैं इस टोला में रहने वाले लोग हो या उस टोला में रहने वाले लोग हो, ये लड़ाई हम सबकी है। क्योंकि हकीकत मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, हकीकत ये है कि आसाम में जो एनआरसी जारी की गई इस तरीके से लोगों का नाम से बाहर कर दिया गया। क्या करते हैं उनके परिवार का नाम है, एक बेटा कागज देगी वोटर लिस्ट पे रहेगा, फोटो आपके बाबूजी का उस पे रहेगा। जिंदा आदमी का वोटर आईडी नहीं बनता आसानी से, मरे हुए आदमी इस देश में वोट गिरा देते हैं। ये इस देश की हकीकत है। हकीकत ये है कि लोग पैदा होते मार्च में हैं, सर्टिफिकेट पे जन्मदिन जो है वो जनवरी में लिखा होता है। हकीकत ये है कि आपके एक कागज में आपके नाम का स्पेलिंग कुछ और होगा, दूसरे कागज में आपके नाम का स्पेलिंग कुछ और होगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? किसी किसी कागज में आपका नाम एमडी मोहम्मद होगा, किसी कागज में एमओएचडी मोहम्मद होगा। और ये जो कागज की छोटी किए गए हैं आसाम में है बेकार की पट्टी। इस देश में वोटर वोट पासपोर्ट बनवाना काम के लिए हमारी आईडी बनाई जाती है और आधार कार्ड भी इस देश में बनाया गया है, तो ये अलग से इन्होंने तो जनता भीतर कर रहे हैं, जैसा अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था। अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज हमारे किसानों को लूटते थे, हमारे मजदूरों को लूटते रखते थे कि भारतीय और कुत्तों को रेस्टोरेंट में नहीं जाने दिया जाएगा, हमारा ही देश, हमारी ही मिट्टी, हमारा ही घर, और हमको ही जाने की इजाजत नहीं थी। हम लोग अभी चंपारण से आ रहे हैं, चंपारण में गांधी जी कौन सा आंदोलन करने के लिए आए थे? चंपारण में गांधी जी जो नील की खेती करवाई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, जो किसानों का अत्याचार किया जाता था किसानों के ऊपर, उसके खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था। और आज फिर से अंग्रेजों की नीति पे चलने वाली एक सरकार दिल्ली में बैठी है, तो हम सरकार को कह देना चाहते हैं कि ऐ सरकार, अगर तुम जनरल डायर बनने के लिए तैयार हो तो हम भगत सिंह की तरफ फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। इस बात को याद रखना
कि अगर तुमने अपने वादे से जिस तरीके से इस देश को गुमराह किया है, तुम गुमराह करोगे तो हम घर घर जा करके, मोहल्ले मोहल्ले जा करके, पूरा देश घूम करके अपनी देश की जनता को बताएंगे कि यह देशवासियों, ये जो लुटेरी सरकार है इसको हमको हराना है और संविधान को जिताना है, संविधान को बचाना है। बोलिए, बचाना है कि नहीं बचाना है? बोलिए, आप किसको मानते हैं, गांधी को कि गोडसे को? गांधी को मानते हैं और आपके हाथ में तिरंगा है तो अपने दिमाग में आप डाल लीजिए कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने इस देश में हिंदू मुसलमान करके, इस देश की जनता को गुमराह करके, दंगे फैला करके हमारे ऊपर राज किया था, उसी तरीके से अंग्रेजों के ये चमचे देश में हिंदू मुसलमान करके, दंगे फैला करके हमारे ऊपर राज करना चाहते हैं, तो हम इनको बता देंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लड़ाई हम नहीं होने देंगे। ये संकल्प हम लोगों को लेना पड़ेगा, हमको ये समझना पड़ेगा कि असली खेल कहाँ पे चल रहा है, असल खेल हो कहाँ पे रहा है। असल खेल हो रहा है कि दिन रात टीवी में हिंदू मुसलमान चल रहा है। दिन रात टीवी में हिंदू मुसलमान क्यों चल रहा है? दिन रात टीवी में हिंदू मुसलमान इसलिए चल रहा है कि जब खेत में मर रहा हो किसान, सीमा पे शहीद हो रहा हो जवान, तो ये लाजिम है कि टीवी पे चले हिंदू और मुसलमान। इसीलिए कि आप अपने हाथ में रॉड ले लें, आप अपने हाथ में बंदूक ले लें, एक दूसरे ऊपर गोलियां चलाते रहे और ये अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दे, ये अपने बेटा को मंत्री बना दे, ये अपने बेटा को विधायक बना दे, ये अपने बेटा को नेता बना दे और आपको ये दंगाई बनाना चाहते हैं। तो मैं खास करके इस देश के जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं, मेरा नाम कन्हैया है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि दोस्त एक बार सोच करके देखो, दिल दे दिए हो तो दिल का कोई हिसाब नहीं होता है। कहते हैं ना, दिल आया गधी पे तो परी का क्या करेंगे। तुम दिल दे दिए हो उस पे हम सवाल नहीं करना चाहते हैं। होता है ना कि जब नौजवान को किसी लड़की से मोहब्बत हो जाए, किसी लड़की को किसी लड़के से मोहब्बत हो जाए, तो माँ बाप जब उसको समझाते हैं कि बेटा प्यार वार अपनी जगह पे है, थोड़ी पढ़ाई भी कर लो, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, और नौकरी नहीं मिलेगी ना तो प्यार जो है वो खिड़की से कूद करके बाहर चला जाएगा। यह बात कई बार हमको समझ में नहीं आती है क्योंकि हम दिमाग नहीं लगाते हैं, दिल लगा बैठे हैं। तो जो दिल अनाज पहुंचाने वाले किसान हैं, उनकी हालत के बारे में तुम जान लो। अगर तुम देश बचाना चाहते हो तो तुमको किसानों, अगर तुम देश से प्यार, स्थिति हम अखबार नहीं निकालते, तीन में देव अच्छी लगे तो नौकरी प्राप्त की जा रही है, लेकिन आपको पेंशन मिलता है, एक एमएलए को पेंशन मिलता है, लेकिन जो सरकारी नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनका पेंशन खत्म कर दिया गया है, पेंशन समाप्त कर दिया गया है। और जो किसी तरह से नेता बन जाते हैं, एमएलए और एमपी हो जाते हैं, वो जिंदगी भर पेंशन उठाते रहते हैं। ये जो हकीकत है, इस हकीकत को हमको समझना पड़ेगा, हमको ये समझना पड़ेगा कि क्यों हमारे सरकारी स्कूल और कॉलेज को बर्बाद कर दिया गया है। आप सब लोग बिहार में पढ़े होंगे, बताइए कि 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में क्यों होता है? बताइए कि सिपाही भर्ती के लिए जो नौजवान जाते हैं ट्रेनों में भर करके, पैर फिसल करके गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है, और फिर वो नौजवान अपने आप को दोष देता है कि अच्छी नौकरी नहीं मिली इसलिए अच्छा घर में शादी नहीं हो रहा है। उनको माँ बाप भी कोसते हैं कि देखो फलना का बच्चा कितना मेहनत किया है, उसको नौकरी मिल गई है। आप सोच करके आप बताइए, जब नौकरी है ही नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? जिसको नौकरी नहीं है वो नौकरी की चिंता कर रहा है। मैं तो कहता हूँ कि जिसको नौकरी थी उसकी भी नौकरी छीन ली जा रही है, 3,16,00,000 लोगों की नौकरी छीन ली गई है। ये देश का मुद्दा है, रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली, ये देश का मुद्दा है। शिक्षा कैसे बेहतर हो ये देश का मुद्दा है। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बिहार के लोगों को अपने परिवार को पालने के लिए अपना घर बार छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाकर के काम करना पड़ता है, और जब वो वहां काम करते हैं तो हमारे साथ क्या बर्ताव होता है? बिहारी शब्द को इन लोगों ने गाली बना दिया है। उनका खेत हम काटते हैं, उनके लिए ठेला रिक्शा हम चलाते हैं, उनका घर हम बनाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन 2 शब्द सम्मान भी हमको नहीं मिलता है, वो बिहारी शब्द को गाली बोलते हैं। इसीलिए ये जो हमारा बुनियादी सवाल है, मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ जो अपने हाथ में भाजपा का झंडा उठाए हैं,
दोस्त तुम नेताजी के पीछे खड़ा होकर के वंदे मातरम करोगे, नेताजी संसद पहुंच जाएंगे, अपने बेटा को फिर सांसद बनाएंगे, तुम रोड पे खड़ा होकर के वंदे मातरम ही करते रह जाओगे। वंदे मातरम करने का मतलब, वंदे मातरम करने का मतलब अपने देश से प्यार करना होता है, अपनी मिट्टी से प्यार करना होता है, किसी पार्टी या नेता का चापलूसी करना नहीं होता। इस बात को याद रखना कि अगर अपने देश अपनी मिट्टी से प्यार करते हो तो तुमको चिंता होनी चाहिए कि देश में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, तुमको चिंता होनी चाहिए कि हमारे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई का स्तर नीचे क्यों गिर रहा है, तुमको चिंता होनी चाहिए जो अन्नदाता हैं वो आज फांसी लगाने को क्यों विवश हैं, तुमको चिंता होनी चाहिए कि एसएससी का प्रश्न पत्र क्यों लीक कर दिया गया है, तुमको चिंता होनी चाहिए कि सिपाही भर्ती में घोटाला क्यों हुआ है, दरोगा भर्ती में घोटाला क्यों हुआ है। देश से प्यार करने का मतलब देश के लोगों से प्यार करना होता है, यह बात अपने दिमाग में डाल लो। और अगर कोई हाथ में बंदूक लेकर अपने ही देश के लोगों के ऊपर गोली चलाता है तो वो कुछ भी होगा लेकिन देशभक्त नहीं हो सकता, ये बात नहीं जानता हूँ। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी लड़ाई है। बड़ी लड़ाई इसलिए है कि एक तरफ आपको अपने हाथ में तिरंगा थामकर संविधान रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी आत्मसम्मान की लड़ाई है। ये भारत अंबेडकर की धरती है, ये भारत भगत सिंह की धरती है, ये भारत अशफाकुल्ला खान की धरती है, ये भारत फातिमा शेख की धरती है, ये भारत मौलाना अबुल कलाम आजाद की धरती है, ये भारत चंद्रशेखर आजाद की धरती है। और वो जो भारत है उस भारत को हम झुकने नहीं देंगे, उस भारत को हम मिटने नहीं देंगे। कोई भी काला कानून आप लेकर के आ जाइए, आपको आज संसद में मेजोरिटी है, आप कोई भी कानून पास कर दीजिए, हम सड़कों पे अपना बहुमत साबित करेंगे। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को एक आमंत्रण देने के लिए आया हूँ, आपको न्योता देने के लिए आया हूँ, आपको इनवाइट करने के लिए आया हूँ। ये जो यात्रा शुरू हुई है बापू की धरती से, बापू धाम से, ये अलग अलग जिलों में होते हुए 3800 जिलों को घूमते हुए आने वाली 29 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में जुटेगा। और सरकार को हम कहेंगे कि यह सरकार जरा गिल्लो दुश्मन ध्यान से, कितने बाजू कितने सर, हम अपना सर कटाने को तैयार है लेकिन अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैं आपको निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आप 29 फरवरी को गांधी मैदान आइए। आएंगे कि नहीं आएंगे? किसी नेता का भरोसा नहीं रहेंगे ना? अगर ट्रेन नहीं मिलेगा तो गोपालगंज से पैदल चले आइएगा गांधी मैदान। आएंगे ना? एक बार आप पटना के गांधी मैदान में जुट करके आइए, वहां से मिलकर के हम हुंकार भरेंगे और दिल्ली को कहेंगे कि यार दिल्ली में सरकार चलाने वाले मोदी जी जरा होश में आ जाइए, जर्मन चश्मा लगा करके एक बार फिर से हमारी शक्ल को देख लीजिए। और मैं आपको इतिहास याद दिला देता हूँ, ये बिहार है, ये बिहार जब बुद्ध की धरती है महावीर की भी धरती है, गुरु गोविंद सिंह की भी धरती है, तो ये बिहार जेपी की भी धरती है। दिल्ली जब जब तानाशाही रुख अपनाती है तो बिहार हुंकार भरता है। दिल्ली फिर से तानाशाह बनने की कोशिश किया है, हम बिहार से इसको ललकारेंगे कि नहीं ललकारेंगे? आएंगे 29 तारीख को, जम करके आइए। पहले तो हम लोकतांत्रिक तरीके से बड़ा जमावड़ा लगाकर बड़ी जुटान करके सरकार को कहना चाहते हैं कि आप देश विरोधी एनपीआर एनआरसी और सीए को वापस लीजिए। अगर एनपीआर और एनआरसी को ये वापस नहीं लेंगे तो फिर हमको एक अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा। अगला स्टेप क्या है? दिल्ली। गांधी जी को भी याद किए थे ना? गांधी जी अंग्रेज को कैसे हराए थे? गांधी जी ने कहा था असहयोग आंदोलन, और असहयोग में गांधी जी का नारा क्या था कि अगर सरकार आपको नागरिक नहीं मानती है तो आप सरकार को सरकार मानना बंद कर दीजिए। गांधी जी ने जब अंग्रेजों ने नमक कानून बनाया था, एक काला कानून बनाया था, तो गांधी जी ने कहा था कि इसका हम सविनय अवज्ञा करेंगे। तो बताइए ये एनपीआर एनआरसी और सीए काला कानून है कि नहीं है? तो क्या आप इसको मानेंगे? तो इसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? इसीलिए अपने मोहल्लों के बाहर लिखिए कि इस मोहल्ले में संविधान को मानने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए एनआरसी एनपीआर और सीए को नहीं मानते हैं। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और अपने घर के बाहर लिखिए कि जब मई में एनपीआर शुरू होगा तो आप अपने
घर के बाहर लिख करके रखिए कि ओ एनपीआर कल आना, साथ में 15 लाख लेकर के आना। आपसे सवाल पूछना संवैधानिक अधिकार है, अगर नहीं सुना पीजी लोगों को करेंगे नहीं करेंगे? अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बोले हैं ना कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, बोला है ना मोटा भाई? अरे 1 इंच तो क्या अमित शाह, तुमको वही भागना पड़ेगा जहाँ नित्यानंद भाग करके गया है कैलाशा इस बात के। अंग्रेजों को भी लगता था कि वो भारत छोड़ करके नहीं जाएंगे, छोड़ करके गए कि नहीं गए? अगर भारत, हम भारत के लोग हैं, तैयार हो तो संकल्प के साथ, अगर हम अपने को याद रखिएगा, किसी भी सूरत में हमको इस आंदोलन में किसी भी हिंसा, डोंट बी, क्योंकि हिंसा तर्क पे भरोसा देते हैं, बोली पत्थर ऐसी प्रधान को तितकी लगना शुरू हो जाता है, हिंसा करने का क्या जरूरत है? जब हमारे पास तर्क है और जब हमारे पास एकता है तो हमको हिंसा की जरूरत नहीं है, उनको हिंसा की जरूरत है। हम किसी भी सूरत में हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक एक कदम चल करके जैसे हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से हमको आजादी दिलाई थी, उस आजादी को हम बचाएंगे। बचाएंगे नहीं बचाएंगे? इसी आशा और विश्वास के साथ कि ये आजादी बड़ी कुर्बानियों से मिला है, ये तिरंगा बड़ी कुर्बानियों से हमको मिला है, हर हाल में इस तिरंगा को नहीं झुकने देंगे और धर्म के आधार पर, जात के आधार पर कोई भेदभाव स्वीकार नहीं करेंगे। और जो हमारा बुनियादी CNPR ये नारा पर हमें आए, उनको सुखम है ढोंगी और देशद्रोह का पे हम आए। Go!
भाई कन्हैया कुमार हमारे भाई धरना स्थल पर चल रहे हैं और इतने बाद में निकलेगी, पहले मत लो निकल जाए धीरे धीरे, लेकिन कोई हंगामा नहीं, सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, पीछे से औरतों को हिफाजत से ले आएंगे। सारे वॉलंटियर एक्टिव रहे प्लीज, कोई भी सेल्फी के चक्कर में ना पड़े। कन्हैया कुमार जा रहे हैं धरना स्थल पे, आप सभी से गुजारिश है कि वहां तशरीफ लाए, कोई भी सेल्फी के चक्कर में ना पड़े प्लीज। आप सभी से आग्रह है कि जल्द से जल्द इस कार्रवाई को पूरी की जाए। आप सभी से गुजारिश है प्लीज भीड़ ना लगाए, जल्द से जल्द खेत को खाली किया जाए। सारे वॉलंटियर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ इस पूरे देश के मुंह में आप सब कन्हैया कुमार का भाषण सुनने आए, अपना वक्त निकालकर इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। और दोस्तों शांति बनाते हुए निकले, अंत में हमारी महिलाएं निकलेंगी, महिलाओं के लिए रास्ता दे और शांति बना करके निकले। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपना वक्त निकाल करके आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे एक और अपील है कि आप जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है आपके जिले गोपालगंज में पिछले 22 दिन से चल रहा है, उसमें भी इसी मजबूती से आप वहां शिरकत करें, तभी जाकर के हम सरकार को सरकार के ऊपर दबाव बना पाएंगे। तो दोस्तों आप सबसे अपील है कि वहां भी बड़ी से बड़ी संख्या में उपस्थित हो। महिलाएं अभी बैठ जाएं, जब रास्ता साफ हो जाएगा तब महिला निकलेंगे, थोड़ा महिलाएं बैठ जाएं, 5 मिनट में ये सारे लोग निकल जाएंगे, फिर आप लोग निकलेंगे।